अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है कि हम जो वैट सर्विस है वो कैसे एक्टिव करते हैं, हाउ टू एक्टिव वैट कैलकुलेशन सर्विस इन यूके मार्केट। अक्सर हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो लाइक जैसे मैं ये एक रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं यूनिट रिमूव करता हूँ तो अमेजोन मुझे अलाउ कर रहा है कि आप कर लो अपने एड्रेस पे, लेकिन अगर मैं लिक्विडेशन के लिए जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेजोन कहता है नॉट अवेलेबल। तो हम देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, हम क्यों नहीं इसको लिक्विडेट कर सकते हैं अमेजोन को। तो यहाँ पे नीचे आप देखें वो कह रहा है कि वैट कैलकुलेशन सर्विस आपकी डीएक्टिवेट है, तो आप पहले इसको एक्टिवेट करेंगे तो फिर अमेजोन आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट कर दें। तो इस चीज़ को हमने वैट कैलकुलेशन सर्विस को एक्टिवेट कैसे करना है, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो हम चलते हैं इसके लिए। जो सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने जस्ट अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस पे जाके अकाउंट हेल्थ पे जाना है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद आपने नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है इनवॉइस फैक्ट रेट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे राइट साइड पे ये लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेट द वैट कैलकुलेशन सर्विस, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया है। अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्या क्या चीज है, मतलब कि पहले वो पूछ रहा है कि आपको जो कंट्री है वो वैट नंबर है वो सिलेक्ट करके आप हमें यहाँ दे दें। टैक्सेबल वो स्टैंडर्ड मतलब पूछ रहा है, उसके बाद वो शिपिंग का टैक्स रेट पूछ रहा है, सेम एज प्रोडक्ट होगा, गिफ्ट रैप सेम होगा, एक्टिवेशन डेट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास, एक तो है एज सून एज पॉसिबल, अगर वहाँ पे वो हम क्लिक करके इसको एग्री एंड एक्टिवेट करेंगे तो वो कहेंगे कि तो बता रहे हैं इफेक्ट होगा 13 से, मतलब कि 10 डेज का टाइम होता है। और दूसरा हम खुद चूज कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा नहीं है चूज करने का, क्योंकि इसमें डेट एज सून एज पॉसिबल के बाद की ही मिलती है। तो हम एक्टिवेशन डेट के साथ ही जाएंगे, हम एग्री एंड एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। तो वो यहाँ पे हमें दे रहा है कि योर सेटिंग वॉज नॉट सबमिटेड बिकॉज ऑफ सम इशू, यू शुड कन्फर्म योर डिफॉल्ट कंट्री ऑफ वैट टैक्स एक्सट्रा इन ईयू मेंबर स्टेट वेयर यू हैव वैलिड ईयू वैट नंबर, योर डिफॉल्ट कंट्री ऑफ वैट एक्सक्लूसिव प्राइस मस्ट हैव अ ईयू वैलिड नंबर। तो यहाँ पे हमें ये इसको डिटेल्स देनी पड़ेंगी वरना ये हमें अलाउ नहीं करेगा। तो अच्छा, वहाँ पे हमें इशू इसलिए आ रहा था कि हमारा वैट नंबर इंटर नहीं था। तो अब हम इस स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ से हम आके ऐड वैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी कंपनी का होगा वो ऐड कर देंगे, तो आपका वो इशू सॉल्व हो जाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।